Good afternoon, my dear friends. Today we are going to see avyayi bhava samasa. Before going for avyayi bhava samasa, let us understand samasa means what. Samasa, I am explaining in Hindi, sam adhika asa. Asa artha asa dhatu se hai. Asa dhatu ko ghai pratyay laga hai, to ho gaya hai samasa. सम मतलब सुंदर, सम्यक. सो सम्यक जुड़ा हुआ, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ. आस तो सम्यक असति, सम्यक असति इति समास. आसते इसका जो ये है, आसते मतलब आसनम, जो सम अच्छी तरह से मिलजुल गया है उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं. वर्णों का मिलन जो है उसको हम संधि कहते हैं. वर्णों का मिलना संधि है तो पदों का मिलना समास होता है. उदाहरण देख लीजिए, राम लक्ष्मणों, यहाँ दो पद मिले हुए हैं. राम लक्ष्मणों में दो पद मिले हुए, रामः लक्ष्मणः च. उपगंगम, गंगायाः समीपे इति उपगंगम. राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः. खाली दो पद मिलते हैं या बहुत सारे पद मिलते हैं? नहीं, बहुत सारे पद मिलते हैं. तो जैसे कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नः, रामः भरतः लक्ष्मणः च शत्रुघ्नः च, तो हो गया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नः. तो बहुत सारे पद मिलेंगे तो भी उसको समास कहते हैं. अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः. सम असनम संक्षिप्तः. अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः. अनेक पद मतलब बहुत सारे पद, पद एक साथ जब मिल जाते हैं उसको हम समास कहते हैं. अव्ययी भाव समास, अर्थ क्या है? जो परिवर्तन नहीं होता उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं. इसमें सारे पद अव्यय हो जाते हैं, मतलब समस्त पद क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं. एक बार देख लीजिए, भाव मतलब होना, अभाव मतलब नहीं होना. पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः, ये और एक नियम है कि पूर्व पद प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं. जो पूर्व पद है वो उत्तर पद को भी बदल देता है. पूर्व पद जो है उत्तर पद को अपना प्रभाव डाल के उसको बदल देता है, इसलिए उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं. पूर्व पद प्रधान उधर होता है. पूर्व पद और उत्तर पद का अव्यय हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास. और विशेष रूप से एक बात कहनी है, समस्त पद अव्यय पद हो जाता है और समूह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है. नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति. अनव्ययम न व्ययम, जैसे राम शब्द चलता है, रामः रामो रामाः, ये तो विभक्ति प्रत्यय हो गया. लेकिन यथा, अभी देखो इधर उदाहरण है, यथाशक्ति, क्या यथा यथे यथाः यथाम यथे यथाः ऐसे चलता है? नहीं. तो यथाशक्ति ये जो अव्यय पद है, ये जो समस्त पद बन गया है अनव्यय, इसको हम कहते हैं अनव्यय, जो व्यय नहीं होता है, जो वैसे ही रहता है. इसमें यथाशक्ति में यथा तो अव्यय हो गया, लेकिन शक्ति तो इकारांत स्त्रीलिंग है. इसका विग्रह वाक्य देख लीजिए, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति. तो इकारांत स्त्रीलिंग जैसे मति ही मति मतयाहा वैसे चलता है ये. शक्तिम तो विभक्ति रूप में है, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति. तो शक्ति तो संज्ञा पद है, जो संज्ञा पद को भी अव्यय बना देता है उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं. और एक उदाहरण देख लीजिए, हरौ इति अधिहरी. सो अधिहरी, अधि का मतलब क्या है, हरि में मिल जाना. हर अधि मतलब में, हरि में मिल जाना, तो अधिहरी हो गया.
अधि हरि प्रीति ही अस्ति, जो किसके ऊपर प्रेम है, हरि के ऊपर प्रेम है। अधि हरि प्रीति ही अस्ति, हरि में प्रेम है। आत्मनि इति आध्यात्मम, तो आत्मनि आध्यात्मम में आत्मा शब्द तो अव्यय नहीं है, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, राजा राजनौ राजानः, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन ये अध्यात्मम हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अभी, अव्ययी भाव समास कहेंगे। गोपी इति अधिगोपम, गोपी इति अधिगोपम, सो गोप में मन लगा हुआ, अधिगोपम। और एक उदाहरण देख लीजिए इधर, गंगायाः समीपम उपगंगम, किसके समीप, गंगा के समीप। अभी गंगम जो है गंगा शब्द है, गंगा शब्द का गंगम बना है, सो इसका प्रभाव मतलब उप का प्रभाव गंगम पे हुआ है, गंगा शब्द पे हुआ है, इसलिए वो भी क्या हो गया है, सब शब्द पूरा शब्द अव्यय बन गया है। गंगायाः समीपम मतलब गंगा नदी के पास, उपगंगम। फलम शब्द के तरह, फलम फले फलानी, फलम तो नपुसकलिंग है, क्या गंगा नपुसकलिंग है, नहीं है, लेकिन वो व्ययी भाव समास में ये सब पूरा मिलके जो हो जाता है नपुसकलिंग हो जाता है। जैसे कि उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम, उपकुलम, कुलस्य समीपे उपकुलम, उपतटम, उपकुलम का मतलब क्या है, किनारे पे समीप, उपतटम तट के समीप, उपनगरम नगर के समीप, उपनगरम नगरस्य समीपे, नगरस्य समीपम उपनगरम। ओके, तो ये सब हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव या समास को जानने के लिए इधर एक श्लोक है या सूत्र है, वो आप जान लीजिए, जिसका अर्थ समीप होता है, जिसका अर्थ समृद्धि होता है, जिसका अर्थ वृद्धि, समृद्धि मतलब वृद्धि होना, वृद्धि मतलब वृद्धि का अभाव होना, अर्थ भाव अत्यय, अत्यय का अर्थ है नष्ट होना, असंप्रति अभ्युक्त न होना, श्रद्धा भाव प्रादुर्भाव, श्रद्धा भाव प्रादुर्भाव मतलब शब्द और सादृश्य के समान होना, अनुपूर्व्य क्रमशः होना, योगपद्य योग्यपद्य एक साथ होना, साफल्य संपूर्णता, अंत समाप्ति। अर्थों में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंत पदों के साथ मिथ्य से अव्ययी भाव समास होगा। इसका अर्थ क्या है, अव्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन इधर देखिए ये जो 16 अव्यय हैं, जैसे कि समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय। अर्थाभाव मतलब क्या है, ऐसे अर्थ वाले जो विभक्ति में हैं, असंप्रति, श्रद्धा, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा, आनुपूर्व्य क्रमशः, योग्यपद्य सादृश्य, संप्रति साफल्य, अंतवचनेषु अव्यय। तो ये जो 16 जो अव्यय हैं, अगर ये अव्यय के अव्यय को लेकर विभक्ति अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं तो उसे हम विभक्ति मतलब अव्यय कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलो हम अभी उदाहरण देख लेते हैं और किसको हम अव्ययी भाव समास कह सकते हैं, उसको एक और एक रूल है, जैसे कि नदी भी च, पाणिनि ने बताया है कि नदी भी च, हमने अभी 2 सूत्र देख लिए हैं, तीसरा सूत्र नहीं हुआ है, तो वो सूत्र क्या है, नदी भी च, अष्टाध्यायी में जो दूसरा सूत्र है वो तो हम अभी नहीं जानेंगे, लेकिन आपके लिए नदी भी च इतना जानना बहुत है। मतलब क्या है, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम। अब आप यहाँ ये ऐसे भी कह सकते हैं कि मैडम ये तो द्विगु समास क्यों नहीं हुआ, द्विगु समास इसलिए नहीं हुआ कि इधर क्या है, नदी का नाम है, ठीक है, नदी का नाम आया है तो, और ये जो है नपुसकलिंग एक वचन में आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे, ना के
द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्या वाला होता है, लेकिन इधर जो बोला है उन्होंने नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यही ट्विस्टी क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछते हैं कि पंचगंगम दे के चार ऑप्शंस देंगे, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो आप कौन से समास को ढूंढोगे, किसको आप टिक करोगे, तो उसको ढूंढोगे ना, अव्ययी भाव किधर है किधर है, तो अव्ययी भाव समास है वो। गंगायाः समीपम बन गया उपगंगम, तो इधर क्यों नहीं पन, इधर दोनों का अर्थ जो है, इधर भी नदी का नाम है और इधर भी नदी का नाम है, लेकिन इधर संख्या नहीं है इसलिए ये बन गया उपगंगम, इधर संख्या है इसलिए ये बन गया पंचगंगम। पंचगंगम का मतलब क्या है, पांच नदी का पानी है ना। ओके, अभी और एक देखो, द्वयोः यमुनयोः द्वियमुनम, तो द्वयोः यमुनयोः द्वियमुनम ये भी बन गया क्या, अव्ययी भाव समास। और देखो, सप्तानाम नर्मदानाम समाहारः सप्त नर्मदम, तो ये द्विगु समास नहीं है, ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। सप्तानाम नदान नर्मदानाम समाहारः, आप एक ध्यान में रख लो कि तीर्थ यात्रा पे लोग क्यों जाते हैं, अपने पापों का हरण करने के लिए। तो इधर देखो, गंगा जमुना नर्मदा आ गई, जब जब गंगा जमुना नर्मदा नदी आ गई है तो उधर क्या लग जाएगा, अव्ययी भाव समास लग जाएगा। तो और एक बार समझ लो कि अव्ययी भाव समास में क्या क्या आते हैं। अव्ययी भाव समास में एक रूल है कि जब नदीवाची शब्द आते हैं और उसके साथ संख्यावाची शब्द आ गया तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जो पहला शब्द जो है अव्यय का, हमेशा पूर्व पद क्या रहता है, अव्यय रहता है। जैसे कि अधिहरी, जैसे कि अध्यात्मम, जैसे कि अधिगोपम, जैसे कि यथाशक्ति, जैसे कि उपकृष्णम, और थोड़े एग्जाम्पल्स हैं हम वो भी देख लेंगे। जो आपके ग्रामर बुक में दिए हैं उसको भी हम देख लेंगे, क्योंकि अगर वो भी पढ़ लिया तो आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम अभी इधर कैसे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे कि हम अभी इधर देखिए, सबको दिख रहा है पेज नंबर 166 रेफर करो, और जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको मैं ये फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी। और देखो, अभी मैं इधर पढ़ा रही हूँ अनु शब्द, अनु उपस, अनु है, अनु अव्यय है, देखिए दिख रहा है ना, देखो अनु, अनु पश्चात यथा योग्यम, रथानाम पश्चात इति अनुरथम, पुत्रस्य पश्चात इति अनुपुत्रम। इसके हिसाब से इधर थोड़े एग्जाम्पल्स हैं वो आप पढ़ लेना। अनु का उपयोग योग्यता के में भी होता है, जैसे कि अनुरूपम, जैसे कि अनुगुणम, गुणानाम योग्यम इति अनुगुणम। इस सब में आपको एक ही ध्यान में रखना है कि समस्त पद अव्यय बन जाता है और नपुंसकलिंग एक वचन में जो लास्ट शब्द है वो आ जाता है। ओके, ना के अपी समझो हमने बुलाया गंगा याह समीपम इति उपगंगा नहीं बनेगा, तो बन जाएगा उपगंगम। ओके, तटस्य समीपम उपतटम, जरायाः समीपम उपजरम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम। अभी हम देख लेंगे स के साथ, स का अर्थ है सह या सहित, कि जैसे देखो सचित्रम चित्रेण सहितम सचित्रम, समित्रम मित्रेण सहितम समित्रम, और क्या है, सशरीरम शरीरेण सहितम सशरीरम। इधर और थोड़े एग्जाम्पल से आप देख लेना, उसके हिसाब से अगर निर आएगा तो निर के अर्थाभाव जो है, निर संबंधी वस्तु का अभाव। ओके, तो वृक्षाभाव, वृक्षस्य अभावः वृक्षाभाव, तो वृक्ष का अभाव है। ओके, तो हम एक एक बार एक उदाहरण देख लेंगे। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम,
जनानाम अभावः निर्जनम्। उसके हिसाब से अगर प्रति आ गया तो क्या होगा, देखिए अगर प्रति आ गया तो देखिए प्रति दिनम दिनम इति दिने दिने प्रतिदिनम, पादम पादम इति प्रतिपादम, मांसम मांसम इति प्रतिमासम, मासम मासम इति प्रतिमासम, स्थानम स्थानम इति प्रतिस्थानम, अहम अह इति प्रत्यहम वा अथवा अहनि अहनि, अर्थम अर्थम इति प्रत्यर्थम। अभी देखो यथा मतिम अनतिक्रम्य यथा मति, विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि, मर्यादाम अनतिक्रम्य यथा मर्यादाम। इसके हिसाब से इधर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो अगर आप खाली इतना जान लो कि अव्यय पदा अव्ययी भाव समास में शब्द परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या है कि जो उत्तर पद है वो पूर्व पद के हिसाब से चल जाता है। अभी देखो इधर उदाहरण में बता रही हूँ, यथाशक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम तो हो गया, शक्तिम अनतिक्रम्य, इधर देखो यथाशक्ति है, तो जो यथा है इसने इसको यथा का प्रभाव इधर इतना पड़ा है कि ये जो है शक्ति स्त्रीलिंग है वो भी अव्यय बन गया है। तो इसके इसलिए हम कहते हैं ना, अगर चोर के साथ रहने लग जाओगे तो चोर के साथ आपको भी पिटाई मिल जाएगी, तुम कुछ करो या ना करो उसके हिसाब से चोर का प्रभाव तो आपके ऊपर होगा ही। अभी इधर भी देखो, गंगायाः समीपम उपगंगम, तो उप का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, गंगा के ऊपर, तो ये गंगा हो गया गंगम। तो कभी जब पूर्व पद का प्रभाव उत्तर पद पे पड़ता है और समस्त वाक्य पूर्व पद के अनुसार ही चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव क्यों कहते हैं, उधर अव्यय का ही भाव होता है और किसी का भी भाव नहीं होता, इसलिए हम उसे अव्ययी भाव समास ऐसे कहते हैं। जो नोट्स जो है वो आप कर लीजिए, तो हम कल द्वंद्व समास देखेंगे, उसके बाद में हम तीनों समास होने के बाद एक शॉर्ट टेस्ट ले लेंगे। तत्पुरुष समास तो हो गया है और अब अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया है, तो हम कल देखेंगे द्वंद्व समास। तो आपको जो है एग्ज़ाम में एक तो विग्रह वाक्य लिख दिया रहेगा, चार ऑप्शंस विग्रह वाक्य दिया रहेगा। अभी देखो यथाशक्ति है, ये समस्त पद है और इसका विग्रह वाक्य जो है चार ऑप्शंस में दिया रहेगा, शक्ति मानतिक्रम्य एक हो गया, कुछ भी दिया रहेगा और तीन ऑप्शंस गलत रहेंगे, तो उसको आपने जो करेक्ट आंसर जो है उसको टिक मारना है। तो हरव इति हो गया अधिहरी, तो अधिहरी से उसके सामने जो है हरव इति इसका समस्त पद लिखिए, चार ऑप्शंस रहेंगे उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखना है। पूर्व पद प्रधानहा कौन सा समास है, चार ऑप्शंस देंगे, तत्पुरुष समास देंगे, द्विधु समास देंगे, द्वंद्व समास देंगे और कोई समास देंगे, तो आप कौन सा ढूंढोगे, अव्ययी भाव ही ढूंढोगे ना। अव्ययी भाव में क्या है, पूर्व पद प्रधान है, उसका उल्टा तत्पुरुष समास में है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। धन्यवाद। हाँ।